देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए सियासी बयानों का इस्तेमाल बीजेपी भी बखूबी करना जानती है, और ऐसे में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि गठबंधन के नेता हताश और निराश हैं, निचले स्तर पर गिर रही है भाषा। ये सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया है। देश की जनता विपक्ष का व्यवहार देख रही है, तो जाहिर तौर पर चुनाव के इस दौर के अंदर जनता की अदालत में विपक्ष के इन तमाम बयानों को ले जाने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, बहुत दुखद बात है कि विगत 17 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग निरंतर किया गया है, उससे मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन के रूप में उस बातों को ठीक उसी प्रकार देख रही है जैसे महाभारत में शिशुपाल ने निरंतर भगवान कृष्ण के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, और जब 100 गालियाँ पूरी हो गई थी तो भगवान कृष्ण ने अपना निर्णय सुनाया था। तो आज भी मैं कह सकता हूँ जनता जनार्दन के रूप में इस विषय पर अपना वास्तविक उत्तर प्रदान करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA का गठबंधन पूरी प्रबलता के साथ, पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है, और जन जन का विश्वास ये है, भारत के हर आम नागरिक ने, किसान और गरीब ने, श्रमिक और मजदूर ने, महिला और युवा ने, छात्र और वृद्ध सभी ने तय कर लिया है अब की बार 400 पार। Z News।